नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नए ब्लॉग में। आज का सफ़र हमारा है जागेश्वर धाम, जो कि उत्तराखंड में है और ये अल्मोड़ा शहर से 35 किलोमीटर दूर है और ये पिथौरागढ़ रोड पर स्थित है। कहते हैं कि इसका निर्माण 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। यहाँ पर 124 प्राचीन हिंदू मंदिरों का एक समूह है और इन सारे मंदिरों के प्रमुख देवता भगवान शिव जी हैं। और इस मंदिर के आसपास अन्य देवताओं के भी मंदिर हैं, जैसे भगवान विष्णु, शक्ति देवी आदि। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण कस्तूरी या चंद पहाड़ी राजवंशों के द्वारा किया गया था और कस्तूरी राजाओं ने इस मंदिर के रख रखाव के लिए मंदिर के पुजारियों को रहने के लिए यहाँ पे जगह दिया था। और कुमाऊं के चंद राजाओं को जागेश्वर मंदिर का संरक्षक माना जाता है और जो पुजारी इस मंदिर का देखभाल करते हैं उनको मतलब स्थानीय भाषा, जहाँ लोकल भाषा में पांडा कहते हैं, पंडा 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 कहते हैं। और ये देखिए यहाँ का पूरा इतिहास आप देख सकते हैं, कितने मंदिर समूह है, कब बना, क्या है, पूरा पूरा इसको पढ़ सकते हैं। कहते हैं जागेश्वर मंदिर का निर्माण भगवान शिव जी के प्रमुख मंदिर केदारनाथ मंदिर की शैली से ही हुआ है। इस मंदिर का निर्माण कस्तूरी शैली में किया गया है और आप जैसे देखेंगे इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को काट कर किया गया है और मंदिर के गर्भ में भगवान शिव का लिंग विराजमान है। और महाशिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, श्रद्धालुओं का लाइन लगा होता है, इतनी भीड़ होती है। अगर आप लोग जागेश्वर मंदिर जाने का मन बना रहे हैं तो अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा है। और सर्दियों में तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ बर्फ़ गिरती है, माइनस टेम्परेचर चल जाता है। और आपको अगर मंदिर दर्शन करना है तो ये सुबह 4 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, और गर्मियों में, और सर्दियों में सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। और जागेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए आपको हवाई मार्ग से सबसे नज़दीक आपका पंतनगर एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। और अगर रेल से यात्रा कर रहे हैं तो आपको काठगोदाम आना पड़ेगा, जो कि आपको 116 किलोमीटर है, और वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी या आप टैक्सी किराए पे ला सकते हैं। रोड डायरेक्ट रोड है, कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट जागेश्वर धाम के लिए बसें चलती हैं हल्द्वानी से। और जागेश्वर धाम के पास आप बहुत सारे होटल मिलेंगे आपको, जैसे जागेश्वर इन, और उसके बाद आपको केमी कुमाऊँ विकास निगम टूरिस्ट रेस्ट हाउस मिलेगा आपको, और द ग्रीन विलेज इको रिजॉर्ट मिलेगा आपको, भारत रेजिडेंसी मिलेगा, ये बहुत सारे वहाँ पे आपको होटल ठहरने के लिए अच्छी सुविधाओं के साथ मिल जाएंगे। और आप जैसे जागेश्वर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक अद्भुत सा सुकून मिलेगा आपको, बहुत मन में रहेगा यार, मन में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहीं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ शांति है। यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, ना आपको यहाँ एयरटेल चलेगा, ना आपका यहाँ पे जियो चलेगा, यहाँ पे या तो BSNL चलेगा या आइडिया चलेगा, या नेटवर्क का इशू है। तो नेटवर्क नहीं है तो और आदमी को सुकून मिलता है, मंदिर के अच्छे दर्शन होते हैं, अब अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय। ये जो देखिए मेन मंदिर है भगवान शिव का, ये तो ये अब हम कुबेर टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। कुबेर टेम्पल एक इस समूह टेम्पल से आउटस्कर्ट में है, बाहर की तरफ है, जो ये ऊपर है कुबेर टेम्पल। अभी कुबेर टेम्पल जाएंगे हम यहाँ पे, ये देखिए कुबेर टेम्पल, और ये गांव है। ये देखिए भगवान कुबेर जी का ये मंदिर है, और ये देख सकते हैं अब हम वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में लोग स्नान करते हैं, ये नीचे जो बनाया है ब्रह्म कुंड है। अब ये इसका अब ये कॉरिडोर बनने वाला है कुछ दिनों में, यहाँ पे सारे गांव यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। और ये रोड भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जा रही है आपके बाकी जो मंदिर हैं उत्तराखंड के, कालिका घाट और पाताल भुवनेश्वर, तो ये सब यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का समूह है, आप अपने फैमिली के साथ पूरा भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। और जागेश्वर धाम से निकलने के बाद हम अब आ चुके हैं डोल आश्रम।
ये भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ये लमगड़ा के आसपास है, और यहाँ से भी आप हल्द्वानी निकल सकते हैं। यहाँ से भी हल्द्वानी आपको 120 130 किलोमीटर पड़ेगा, वाया मुक्तेश्वर की तरफ से जा सकते हैं। तो ये सीधा आपको मिल जाएगा भीमताल के पास। तो ये डोल आश्रम ये भी काफ़ी अच्छा है, आप घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए वीकेंड आप आ सकते हैं और भगवान मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए और ये बहुत, यहाँ का व्यू बहुत शानदार है, आश्रम बहुत साफ सुथरा मेंटेन, और यहाँ से यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। और फिर यहाँ से आप या जागेश्वर चितई निकल जाएं, अल्मोड़ा निकल जाएं, फिर या वापस पदमपुरी होते हुए सीधा आप भवाली होते हुए, या भवाली जाएं या आप भीमताल चले जाएं। ये देखिए कितना शानदार व्यू है, कितना शानदार नज़ारा है, दूर तक पहाड़ी पहाड़, खूबसूरती खूबसूरत। पर पहाड़ों में कहते हैं पहाड़ों में आके एक अलग से सुकून मिलता है, सही में जो भी ये बात कहता है बहुत अच्छी बात कही किसी ने भी कही है कि पहाड़ों में आकर आपको एक अलौकिक सुख मिलता है, यहाँ के नज़ारे, यहाँ की शुद्ध हवा, यहाँ का खान पीन, देखिए कितना सुकून है, कितना मनमोहक दृश्य है। ये देखिए बादल, पहाड़ों में बादल, शांत मौसम। बाकी चलिए आप एंजॉय करिए ब्लॉग का, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सायनारा, टाटा।